नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका के बाजार की वजह से हम लोग तो काफी हैवी टूटे, बट अमेरिका का बाजार कह रहा है भैया आप लोगों को ही गिराना था, बट हम नहीं गिरने वाले। पूरे दुनिया भर के बाजारों में 2% या 1.5% की गिरावट है और पूरे दुनिया भर के बाजार अमेरिका की वजह से गिरे हैं और अमेरिका का बाजार केवल 0.5% नीचे है। अभी तक 10:17 का समय हो रहा है जहां मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। अब उनके सेकंड हाफ में सेलिंग प्रेशर आएगा, रिकवरी आएगी, मुझे नहीं पता भाई, जो चीज है वो चीज है, लेकिन अभी तक ऐसा दिख रहा है कि अमेरिका की वजह से सब तो टूटे बट अमेरिका नहीं टूट रहा है। एक चीज जो आप सभी के साथ सुबह से 13वीं वीडियो है मेरी, जहां मैं सुबह से शेयर कर रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में आज की जो गिरावट है ये वन डे वंडर है। कल एक्सपायरी रिलेटेड मूव आ सकता है, नो डाउट। परसों आपके लिए फ्राइडे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मंडे से आपके लिए बाजार में दोबारा हरियाली या फिर फ्लैटनेस देखने को मिलेगी और आपके लिए बाजार में दोबारा तेजी आएगी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट में तेजी हो गई, अब तो खत्म, अब मार्केट नीचे आएगा, आप गलत सोच रहे हो। मार्केट में तेजी है और अभी तो चलेगी 1.5 साल, बीच बीच में डिप आएंगे और ये तो 1% का डिप है, 5-5% के डिप भी देखने को मिलेंगे। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी काफी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। सबसे पहले कल के सेशन में वेदांता को रडार पे रखना है। वेदांता कंपनी के प्रमोटर्स ट्विन स्टार कल 4.3% की बिकवाली करने वाले हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। भाव निकल के आ रहा है 252 रुपीज का। 16 करोड़ शेयर्स की बिकवाली है, 4,130 रुपए जुटाएगी कंपनी ये बिकवाली कर। तो ये स्टॉक कल अलर्ट है, जहां पे क्लियर कट कल आपको अगर स्टार्टिंग में कोई गिरावट देखने को मिलती है तो वहां डरना नहीं है, इस वजह से गिर रहा है शेयर। दूसरी बात, इस गिरावट में क्या करना है, तो देखिए गिरावट में क्या करना है क्या नहीं करना, वो कल कुछ भी नहीं करना है। कल शाम तक आपके पास नाम सामने आएंगे कि बायर कौन है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कल स्टॉक्स आपके लिए जो रिजल्ट्स के दम पर रिएक्शन देंगे उनके बारे में आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं। इंजीनियरिंग्स इंडिया के नंबर्स आते हुए दिखे आपके लिए, क्विजकॉप, सीला फोम लिमिटेड, नेलकास्ट, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, इसके नंबर डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि हमारी आपके साथ एक पिक रही है ये 400 रुपए के भाव सर 400 रुपए के भाव से। आज तो बड़ी गिरावट आई है स्टॉक में, लगभग 3.5-4% टूट गया है, लेकिन नंबर्स में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है, स्टिल होल्ड रहेंगे हम इसमें और मैंने भी आप सभी के साथ ही खरीदा है, डिस्क्लेमर है। स्टॉक के नंबर 75 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 120 करोड़ हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 114 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, दोनों जगह बढ़त है तो ठीक मानूंगा मैं, कोई इशू नहीं दिखता मुझे। जक्सनपाल फार्मा कल आपके लिए अपने नंबर्स पे दम रिएक्शन देगा। नारायण हृदयालय, प्रताप स्नैक्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HPCL, इसके बारे में नंबर डिस्कस कर लेते हैं। अनुमान से बेहतर प्रॉफिट आया है कंपनी का, अनुमान था 5700 करोड़ के प्रॉफिट का, 6200 करोड़ का प्रॉफिट आया है तो बढ़िया आया है, कोई इशू नहीं है। मार्जिन की बात की जाए तो मार्जिन आपके लिए 8.14% पे, लेकिन अनुमान था 8.8% का, तो ये अनुमान से कम रह गए। एबिट्टा कामकाजी मुनाफा देखें तो 9655 करोड़ का आया है और 9000 करोड़ का अनुमान था, तो यहाँ अच्छा है, तो नंबर्स तो ठीक आए हैं, बाजार कैसे रिएक्शन देगा वो देखने वाली बात है। अब मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट बता दूं, IOC अपने नंबर्स के बाद गिरा था, बट 3 रुपए का उस दिन एक्स डिविडेंड भी था तो वही एडजस्ट हुआ हो शायद। वैभव ग्लोबल अपने नंबर्स पे कल रिएक्शन देगा, नंबर्स के साथ साथ वैभव ग्लोबल ने 1.5% का 1.5 रुपए यानी 1.50 रुपए का डिविडेंड भी आपके लिए शेयर करा है। इंडोस्टार कैपिटल नंबर्स पे रिएक्शन देगा, मेट्रोपोलिस, किर्लोस्कर फेरस, केवल किरण, प्रिकॉल लिमिटेड, अडोर वेल्डिंग, सीएल एजुकेट, प्रदीप फॉस्फेरेट। आगे बात करें गुडियर अमृतांजल हेल्थ केयर, इसने रिसेंटली 900 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बायबैक भी अनाउंस करा है, 650 की आज की क्लोजिंग है। नंबर्स देखे तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं साल दर साल, तो मार्जिन 4.69% से बढ़कर 9.18% के हो गए, तो डबल से भी ज्यादा है। स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 3.7 करोड़ से बढ़कर 7 करोड़ का हुआ है। एक चीज और आप नोटिस करना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब नंबर है तो कोई इसमें अच्छा मत समझना। टाइटन के नंबर आए, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, अनुमान से कमजोर रह गए नंबर, पहली बात तो नंबर खराब है, और ये स्टॉक के नंबर अच्छे होते तो भी पॉजिटिव रिएक्शन आता नहीं है, तो खराब नंबर पे देखते हैं क्या होता है। 860 करोड़ के प्रॉफिट का अनुमान था, 777 करोड़ का प्रॉफिट आया, 12.5% मार्जिन का अनुमान था, उसके सामने 10.92% आया, 1103 करोड़ का कामकाजी मुनाफा आया है, 1280 करोड़ के का अनुमान था, तो नंबर्स हर एक पैमाने पे खराब दिख रहे हैं। अब मैं उन स्टॉक्स के बारे में बात करता हूं आप सभी के साथ जो कल के सेशन में आपके लिए एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो एक्स डिविडेंड वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो मारुति सुजुकी 90 रुपए का एक्स डिविडेंड है, UPL 10 रुपए का, यूनाइटेड ब्रेवरीज 7.5 रुपए का है, हनीवेल ऑटोमेशन 95 रुपए का है, कोफोर्ज 19 रुपए का है, बाटा 13.5 रुपए, रैमको सीमेंट 2 रुपए, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग 1.10 रुपए, क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी 3 रुपए, एजिस लॉजिस्टिक 2.5 रुपए, उषा मार्डिन 2.5 रुपए, इंडिया ग्रिड ट्रस्ट 3.45 रुपए, इसाब लैब
₹20 एवंती फीड ₹6.25 टिप्स इंडस्ट्री ₹50 ग्रीव्स कॉटन ₹90 एडीएफ फूड्स ₹5 होंडा इंडिया पावर ₹16.5 एलएमबिक लिमिटेड ₹2.20 एक्सप्रो लिमिटेड ₹2 एसएच केलकर एंड कंपनी ₹2 रेमको सीमेंट्स ₹1 ओरिएंटल एरोमेटिक्स लिमिटेड ₹50 मेट्रोमोनी ₹5 निनटेक सिस्टम बोनस देता हुआ दिखेगा 4:5 के रेशियो में, दैट मींस 5 शेयर के सामने 4 शेयर एज अ बोनस आएंगे। चैम बॉन्ड केमिकल्स ₹3, स्टार हाउसिंग फाइनेंस ₹0.05 का डिविडेंड है, एल्बर्ट डेविड ₹9, पदम जी पेपर ₹50, श्रेयंस इंडस्ट्रीज ₹5, एमके ग्लोबल ₹1, आईवीपी लिमिटेड ₹1.5, कैलटेक एनर्जीज ₹1.5, एएमजी लैंड होल्डिंग ₹20, दिशा इंडिया लिमिटेड ₹10 का। ये सारे एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे। कल के सेशन में रिजल्ट कैलेंडर भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं। देखिए रिजल्ट बहुत सारे आ रहे हैं, तो कोशिश करेंगे हम जो बड़े बड़े नंबर्स हैं वही आप सभी के साथ डिस्कस की जाए कि भैया उन पे आप ध्यान दीजिए। क्लीन साइंस नंबर देता हुआ दिखेगा आपके लिए, मिंडा कॉप नंबर देता हुआ दिखेगा, आवास फाइनेंशियल, भारत सीड्स, नील कमल, टाइगर लॉजिस्टिक, अदानी पावर के कल नंबर आने वाले हैं अदानी ग्रुप से, आज विमान ने तो काफी निराश कराया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, संदूर मैगनीज के नंबर आते हुए दिखेंगे आपके लिए कल के सेशन में, डीसीएक्स सिस्टम, कमिंस इंडिया, बन्नारी अमन सुगर, ब्लू स्टार, ओरिएंटल कार्बन, रेडिको खेतान, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, ओरिएंट सेराटेक, ये कोई छोटा स्टॉक है आई थिंक, अदानी एंटरप्राइजेस के नंबर आने वाले हैं कल, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के नंबर आएंगे, एमआरएफ, कंसाई नेरोलैक, कर्नाटका बैंक, जाइडस वेलनेस, आयुषर मोटर, आंध्रा पेपर, माधव इंफ्रा, भारतीय एयरटेल, इकरा, महानगर गैस, न्यूलैंड लैब्स, वीनस पाइप्स, अडोर फेंटेक, सोलार इंडस्ट्रीज, बहुत सारे नंबर्स हैं, सन फार्मा, तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर्स के लिहाज से, तो आप ध्यान दीजिएगा। डाबर के भी हैं, लुपिन के भी हैं, पीरामल फार्मा के भी हैं, ग्रेविटा के भी हैं, तो कल बहुत ही सारे नंबर आने हैं। और एक स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वरुण बेवरेजेस, सेना सेरा सैनिटरी भी है, रोसेल इंडिया, ये भी अपने नंबर पेश करेंगे। एक स्टॉक जो आपको रडार रखना है वो है सोलार इंडस्ट्रीज, इसके नंबर देखने वाली बात है कैसे आते हैं, मुझे लगता है कुछ कमाल कर सकता है, फ्रेश बाइंग की राय तो नहीं है बट धमाका हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।